मानवाधिकार महानिरीक्षक विपिन कुमार इन दिनों दौसा दौरे पर हैं। आईजी के 2 दिवसीय दौरे में आज जिले के थानों का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले सदर थाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सदर थाने की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दिए। विशेष रूप से रिकॉर्ड रूम को देखकर उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव आए। अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर उनका कहना था कि प्रतिवर्ष दौरा करना होता है, थानों का निरीक्षण होता है, क्योंकि हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश सदा रहती है। दौसा जिले में सामान्य रूप से व्यवस्थाएं माकूल हैं, दुरुस्त हैं, फिर भी कहीं कुछ कमी रहती है, क्योंकि संसाधन कम रहते हैं और लोगों की आवश्यकता व अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ सदर थाने में अपेक्षाकृत व्यवस्थाएं सही है। एक्सीडेंट से जुड़े हुए केसों का निपटारा भी समय पर हो रहा है। रिकॉर्ड रूम बहुत सही है। साथ ही पासपोर्ट को लेकर भी सरकार की जो गाइडलाइन है उसी में काम हो रहा है और व्यवस्थाएं ठीक है। फिर भी कहीं कोई अगर कमी नजर आती है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कल जिला ऑफिस पर जिला कार्यालय और वहाँ के समस्त अधिकारियों की मीटिंग हुई गई थी। उसके पहले जिला स्तरीय हमारी CLG है उनकी मीटिंग ली गई। पूरी जो 2 दिन की जो इंस्पेक्शन होती है सभी जिलों में महानिदेशक पुलिस की ओर से वरिष्ठ अधिकारी मुख्यालय से आते हैं, सभी जिला गवर्नमेंट होता है। इसका मूल उद्देश्य होता है कि जो थाने से संबंधित, जो पुलिस से संबंधित, जिला संबंधित जितने भी कार्य हैं सबकी चेकिंग हो। सभी थानों में जाना संभव नहीं है, लेकिन आप एक थाना में जाके देख सकते हो कि पैटर्न क्या है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ अच्छा ही काम हुई, कुछ अच्छे काम हुए होंगे तो उसको हम मुख्यालय को बताएंगे, ताकि दूसरी थानों में भी उसकी अनुपालना हो। और कुछ कमियां हैं तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाएगा। कुछ संसाधन की कमी रहती है उसके बारे में भी चर्चा हुई, तो वो पूरी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करते हैं। जब हम किसी चीज की समीक्षा करते हैं तो उसमें हमेशा ही आप देखें कोई डिपार्टमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा ही सुधार की गुंजाइश होती है। और गुंजाइश इसलिए होती है कि धीरे 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 आपको संसाधन बढ़ते हैं, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। पहले जब हम पुलिस में आए उसके और पहले की बात है, लोग कहते हैं कि आधे घंटे में पुलिस पहुंच जाती है, गांव में कहते हैं पुलिस बहुत जल्दी आ गई, और आजकल 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, कहने साहब 10 मिनट हो गए। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, वो बढ़नी भी चाहिए। जो भी सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट है उसका हमेशा ही ये सुधार की गुंजाइश रहती है। उस चीज़ की हम समीक्षा कर रहे हैं, नई टीम के अधिकारी आए हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद कोई ऐसी स्पेशल कमी जो आपको लगी कि सुधार की गुंजाइश? डिपेंडेंसी देखी थी कि डिपेंडेंसी है, उस जगह संसाधनों की कमी है, वो हम बात करेंगे। उससे संसाधनों की अब इतनी दिक्कत आती नहीं है, कोई कभी मोटी किसी हेड में इसी वजह से आ गई होगी, तो पहले से बात करके समाधान करेंगे। कोई विशेष अच्छाई जो आपने देखी? अच्छे काम भी हुए हैं, जैसे खास करके देखा हमने कुछ जो प्रिवेंटिव एक्शंस में अच्छे काम हुए हैं, एक्सीडेंट के मामले ठीक ठाक कोई बढ़ा नहीं है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अब यही देख रहे थे रिकॉर्ड बहुत सारे मेंटेन हैं। नॉर्मली कई जगह जाते हैं क्योंकि सालों से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। पासपोर्ट वेरिफिकेशन कल काम देख रहा था, बिल्कुल अपडेट है, डिले नहीं है, टाइमली हो रहे हैं। उसमें सरकार ने जो समय कर रखा है उसके अंदर ही सारे वेरिफिकेशन जा रहे हैं। तो इस तरह कई चीज़ें हैं